गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स लेसन 13 इंग्लिश रीडर बुक द सर्कस। सर्कस जानते हैं बेटा आप लोग सर्कस के बारे में। आज हम ये पोएम रीड करते हैं, रिटन बाय सीजे डेनिस। हे ड्वेयर हुपला, द सर्कस इज इन टाउन। हैव यू सीन द एलिफेंट? हैव यू सीन द क्लाउन? हैव यू सीन द डैपल्ड हॉर्स गैलप राउंड द रिंग? हैव यू सीन द एक्रोबैट्स ऑन द डिजी स्विंग? हैव यू सीन द टम्बलिंग मैन टम्बल अप एंड डाउन? हुपला हुपला, द सर्कस इज इन टाउन। हे देयर हुपला, हियर्स द सर्कस ट्रूप। हियर्स द एजुकेटेड डॉग जंपिंग थ्रू द हुप। सी द लेडी ब्लॉन्डिन विद द पैरा शॉल एंड फैन, द लैड अपॉन द लैडर and the India rubber man. See the joyful juggler and the boy who loops the loop. Hey, 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 here's the circus troupe. Students, in this poem, the poem's main idea which Dennis wants to deliver is seizing the opportunity. He stresses that never leave that till tomorrow which you can do today. कविता का मुख्य विचार ये है कि डेनिस अपनी बात को ये कहने के लिए व्यक्त कर रहा है कि मौके का फ़ायदा उठाता है अपनी बात को कहने के लिए कि कल तक किसी भी काम को मत छोड़ो, जो आप आज कर सकते हैं वो आज करो। मतलब आज का काम कल पर मत छोड़ें, जो काम आज आप कर सकते हैं उसे आज ही करें। हे देयर हुपला, द सर्कस इज इन टाउन। कवि इसमें जो है काफ़ी खुश है, बुदबुदा रहा है, काफ़ी हंसमुख है। वो कहता है हे डियर हुपला, हुपला मैंने खुश होते हुए कहता है द सर्कस इज इन टाउन। सर्कस क्या है? शहर में है। आगे हैव यू सीन द एलिफेंट? हैव यू सीन द क्लाउन? क्या आपने हाथी को देखा है? क्या आपने जोकर को देखा है? हैव यू सीन द डैपल्ड हॉर्स गैलप राउंड द रिंग? क्या आपने रंगों के धब्बे से चिन्हित, मतलब एक कलरफुल जो है, एक घोड़े को तेज गति से दौड़ते हुए देखा? द सर्कस इज बबलिंग विद एक्साइटमेंट। द स्पीकर कैन हार्डली कंटेन हिज जॉय एट हैविंग द सर्कस इन टाउन। वो काफ़ी खुश है कि उनके शहर में जो सर्कस है। इट सीम्स दैट द स्पीकर हैज ऑलरेडी सीन द सर्कस। ही इज सो एक्साइटेड अबाउट वट हैज seen that he is asking everybody, वो ask कर रहा है everybody से as if they have seen it too। तो वो खुशी को अपनी जो है सर्कस होने पर शायद ही अपनी खुशी को शामिल कर सके। उसे ऐसा लगता है कि स्पी जो है बोल रहा है ये राइटर सर्कस देख चुका है। वह तो ये कहता है कि वह अन्य सभी को पूछ रहा है, अगर वे उन्होंने इसे नहीं देखा तो वो देखें। वो बहुत उत्साहित है, सर्कस को देखकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। इसलिए क्या आपने इसमें देखा हुआ है? हैव यू सीन द एक्रोबैट्स द ऑन द डिजी स्विंग? एक्रोबैट्स मीनिंग होता है एंटरटेनर हु परफॉर्म द बैलेंसिंग एक्ट एंड जिम्नास्टिक, जो कि जिम्नास्टिक करते हुए एक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, झूले झूलते हुए, कलाबाजियाँ करते हुए क्या आपने सर्कस में लोगों को देखा है? आगे हैव यू सीन द टम्बलिंग मैन टम्बल अप एंड डाउन? टम्बलिंग मैन मैंने, क्या आपने टम्बलिंग करते हुए, गिरते हुए, ऊपर नीचे होते हुए क्या इन लोगों को देखा है? हुपला हुपला, द सर्कस इज इन टाउन। वो बड़ा खुश हो रहा है। कवि कहता है कि सर्कस क्या है? हमारे शहर में है। हे देयर हुपला, हेयर द सर्कस ट्रूप। हेयर्स द एजुकेटेड डॉग जंपिंग थ्रू द हुप। See the lady blondin with the parasol and fan, then the lad upon the ladder and the India rubber man. See the joyful juggler and the boy loops, who loops the loops. Hey, 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 the circus troupe. The poem conveys the point that if you have not seen the circus yet, then what are you waiting for? Go there. किसकी वेट कर रहे हैं? गो देयर, जाओ। डू इट नाउ, सी इट हाउ। द मेन पॉइंट्स हेल्प द ऑथर टेल इज फीलिंग दैट द लिसनर शुड सीज द डे एंड गो टू द सर्कस
नाउ वो कविता का विचार है कि अगर आपने सर्कस नहीं देखा तो बता देते हैं कि आप इसका इंतज़ार क्यों कर रहे हो, आप देखो, वहाँ जाओ, देखो। उसके ये महसूस करने में मदद करता है कि देखने वाले को दिन को मतलब उस सीट को बुक कर लेना चाहिए और अपनी उसको सर्कस को देखना चाहिए। हे यहाँ पर सर्कस की जो है, हे देयर हेयर द सर्कस ट्रूप, ट्रूप मैंने क्या होता है, ग्रुप ऑफ टूरिंग एक्टर्स सिंगर्स है, और ए सर्कस ग्रुप उसमें एक्टर्स भी हैं, ग्रुप के मतलब टूरिंग एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, सर्कस में जो है मंडली है जिसमें जब सभी लोग हैं। यहाँ क्या है, Here's the educated dog jumping through the hoop. Hoop मैंने क्या होता है, एक लार्ज रिंग दैट एनिमल जंप थ्रू एट द सर्कस, एक बड़ा सा रिंग होता है जिसमें जानवर सर्कस में क्या करते हैं, कूदते हैं, जो कि एक डॉग है जो कि जिसको एजुकेट मतलब उसको सिखाया हुआ है, जो कि रिंग के अंदर से कूद रहा है। See the lady blonde with the parasol and fan. इसमें मस्ती के साथ जो एक महिला है जिसने एक स्मॉल अम्ब्रेला लिया हुआ है, और वो जो अपने आप को यूज्ड फॉर वुमेन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, जो अपने आप को सन से बचा रही है। द लैड अपॉन द लैडर एंड द इंडिया रबर मैन, सीढ़ी पर सीढ़ी मतलब जो है, जो भारतीय रबड़ मैन हर्षित मतलब क्या कर रहे हैं, बाजीगरी मतलब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बाजी कर रहे हैं, जो कि इसमें दिखाई दिया है। सी द जॉयफुल जगलर एंड द बॉय हु लुप द लुप, ये क्या है, जिसमें कि बॉय क्या है अपने जो लुप इन इनके साथ जो क्या है सर्कस को दिखा रहा है और मस्ती करते हुए इसे क्या है सर्कस में क्या है, हमें इसमें कवि क्या कहता है, हमें सर्कस में जाना चाहिए। लुप्स मैंने इंडियन नेचुरल रबड़, रबड़ से जो दिखा रहा है, जॉयफुल जगलर खुशी के साथ जो बॉय है लुप्स कर रहा है इसको, राउंड राउंड क्या है लुप, मैंने ये इन जो लुप हैं ये राउंड के जो गोल गोल जो लट्टू से हैं इनको घुमा रहा है। हे 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 हेयर द सर्कस ट्रूप, ये देखो खुशी से वो कह रहा है, ये जो सर्कस का क्या है ट्रूप मैंने दल है जिसमें एक्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, और सर्कस के सर्कस ग्रुप के सभी मेंबर्स हैं, वो काफ़ी खुश हो रहा है। वो कह रहा है द पोएम इज मेन आइडिया, क्या है मुख्य विचार, विच डेनिस वांट टू डिलीवर इज सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, ही स्ट्रेसेस दैट नेवर लिव दैट टिल टुमारो विच यू कैन टू डू टूडे। कविता का मुख्य विचार है डेनिस अपनी बात व्यक्त करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाता है कि कल तक उसे कभी मत छोड़ो, जो आपने करना है, जो आप करना चाहते हो अभी कर सकते हो, इसलिए वो काफ़ी खुश है। हे डियर होपला द सर्कस इज़ इन टाउन, वो खुशी से कह रहा है कि सर्कस जो है शहर में है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम हो गई कंप्लीट द सर्कस।